हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और हम आए हैं माथेरान हिल स्टेशन पर। तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगी कि हमारा रूम टूर कैसे है और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं हम वो कवर करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे खाना कैसा होता है हम ये भी देखेंगे। तो ये मेरा बर्थडे स्पेशल व्लॉग है, तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ये माथेरान का एंट्रेंस है, दो कदम आगे जाते ही राइट लेके MTDC का रिसोर्ट आ जाता है। यहाँ पर ही हमने हमारी बुकिंग की है। तो ये मेन एंट्रेंस है, तो चलो आगे चल के देखते हैं। ये सीधा जाके सामने जो है वो रिसेप्शन एरिया है और यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो वहाँ पे सारे रूम्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमने वैली व्यू फैमिली डिलेक्स AC रूम बुक किया है। तो चलो अब हम रूम टूर करते हैं। तो ये एंट्रेंस है, आगे जाके आप देख सकते हैं किंग साइज का जो है बेड है और उसी के साथ यहाँ पे सोफ़ा सेट भी है और यहाँ पे एक TV भी है, उसी के साथ एक साइड टेबल है। बहुत अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पे लगा दी है वॉल पर। इस रूम को लगकर ही आगे जाके एक छोटा सा रूम आ जाता है जहाँ पे इन्होंने एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल लगा दिया है। और उसी के साथ यहाँ पे एक टेबल दे दिया है, कबर्ड है, फ्रिज है। तो इसी छोटे से रूम को लगकर यहाँ पे बाथरूम भी है। बाथरूम जो है काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे ये वॉश बेसिन है। तो अब हम तैयार होके चल पड़े हैं सारे पॉइंट्स देखने के लिए। हमने यहाँ पे घोड़ों की सवारी ले ली है क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं इतने सारे पॉइंट्स चलकर नहीं देख सकेंगे और मेरे जो बच्चे हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं घोड़ों की सवारी। तो सबसे पहले हम खाना खाएंगे। तो अब हम लंच करने के लिए आए हैं शब्बीर भाई बिरयानी वाला के पास। ये होटल जो है माथेरान के सेंट्रल पॉइंट की तरफ ही है। तो हमने यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर की है, चिकन बिरयानी। अब हम खा के भी देखेंगे। सो अदिति, हाउ इज इट? नाइस, ओके, इंडिया नाइस। लॉर्ड पॉइंट की तरफ जाते ही पहले ये शार्लेट लेक आ जाता है। बहुत ही सुंदर लेक है ये और इस तरफ आगे जाके एक मंदिर भी है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लॉर्ड पॉइंट के तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप इस जगह पे ज़रूर आए। जिन्हें जंगल बहुत पसंद है उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। तो अब हम हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन यानी लॉर्ड पॉइंट के तरफ जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये लॉर्ड पॉइंट कैसा है और मैं आपको भी ज़रूर दिखाती हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं लॉर्ड पॉइंट पर और यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हैं कि सामने जो नज़ारा है कितना सुंदर है। चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं। इस पॉइंट से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये है ईशालगढ़ और ये सामने है प्रबलगढ़ और उसी के साइड में है कलावंती दुर्ग और ये जो है
ये है लुइसा पॉइंट, जहाँ पे हम आगे जाके जाने वाले हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। सो फ्रेंड, अब हम लॉर्ड पॉइंट से लौट रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे जाके। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप ज़रूर इस जगह को ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ठंडी जगह है। तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम आए हैं इको पॉइंट पर, और ये है इको पॉइंट। बोलो, ये से होते हैं ना मारते रे, रात्रि चावणार आहे। या लिंबू सोडा आहे, कोकम सोडा आहे, जिरा सोडा आहे, मसाला सोडा आहे, आईस गोळा आहे, तुम्हारा काय। सो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ लुइसा पॉइंट पर, और ये माथेरान का एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ का जो व्यू है बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपको अब आगे जाके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे लुइसा पॉइंट की तरफ जा रही हूँ, नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आगे जा चुके हैं। तो ये है लुइसा पॉइंट का व्यू। एक्चुअली फॉग आने की वजह से व्यू जो है काफ़ी क्लियर नहीं है, और यहाँ पे नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी लगाया हुआ है। इस पॉइंट पर एक फ्रूट का स्टॉल लगाया हुआ है, जहाँ पे ये फ्रूट इस तरह से काट कर दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार फ्रूट लिया है खाने के लिए। मेरे जो बच्चे हैं फर्स्ट टाइम स्टार फ्रूट खाने वाले हैं। लुइसा पॉइंट के बाद अब हम आए हैं सनसेट पॉइंट पर, और ये सनसेट पॉइंट का व्यू है। सनसेट हम नहीं देख पाए क्योंकि बहुत फॉग है, मैंने आगे जाके शूटिंग नहीं की है, काफ़ी डेंजरस लग रहा था, इसीलिए मैं बहुत पीछे से ही शूट कर रही हूँ। सनसेट पॉइंट पर इस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, तो काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने यहाँ पे कॉर्न ऑर्डर किए हैं। गर्मा गर्म कॉर्न खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसी के साथ अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।